डैम कहाँ पर है? जवाब है भारत में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध दुनिया में सबसे पहला है। ये बांध आज से लगभग 2000 वर्ष पहले बनाया गया था और ये आज भी जस का तस है। कल्लनई बांध इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्ष से कितनी विकसित रही है। आपको याद दिला दें कि 2000 वर्ष पहले अभी ईसाई धर्म पैदा ही नहीं हुआ था और इस्लाम का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था। कल्लनई बांध का निर्माण चोल वंश के राजा करिकल ने कराया था। कावेरी दक्षिण भारत में सबसे तेज प्रवाह वाली नदी है, इसमें साल भर पानी रहता है। 2000 वर्ष पहले जब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थीं, तब इस बांध को बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं। कल्लनई बांध से तमिलनाडु के 10 लाख एकड़ क्षेत्रों में किसानों को वर्ष भर सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इस बांध के कारण तमिलनाडु के बड़े क्षेत्र में बाढ़ से बचाव होता है। कल्लनई बांध 329 मीटर लंबा, 29 मीटर चौड़ा और 5.4 मीटर ऊंचा है। वर्ष 1835 में अंग्रेज अफसर लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें कल्लनई बांध के बारे में भी बताया गया था। मैकाले ने बताया था कि भारतीय गुरुकुलों में विज्ञान और इंजीनियरिंग की ऐसी शिक्षा दी जाती है जो पश्चिमी देशों के लिए असंभव है। मैकाले की इसी रिपोर्ट के बाद भारत की हजारों वर्ष पुरानी गुरुकुल प्रणाली को नष्ट करने की रणनीति बनाई गई थी। कल्लनई बांध आज भी सही सलामत है। देश के कई दूसरे क्षेत्रों में ऐसे प्राचीन बांध बने हुए हैं, लेकिन मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है कि आज कई भारतीयों को भी लगता है कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हम असभ्य होते।